नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इरिगेशन के ऊपर कि इरिगेशन क्या होता है, क्या इसका पीछे क्या हो चुका है इरिगेशन के अंदर 1950 से लेकर के 2010 तक, उसके बाद क्या समस्याएं हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, तो ये सब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज व्हाट आर द एरिया एंड द कंसर्न नीडेड करेक्शन रिक्वायर्ड विद द रिस्पेक्ट टू द इरिगेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर। तो क्या कंसर्न है, क्या करेक्शन करने का बताइए। तो चलिए समझते हैं, फिर अपने आप इसका हल निकल जाएगा। इरिगेशन कहते किसको है? अगर डिफाइन करना है, दैट इज हम अगर किसी भी क्रॉप के पास रेगुलर इंटरवल पे अगर हम लोग सप्लाई ऑफ वाटर पानी देते रहे, सप्लाई करते रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कर रहे हैं हम क्रॉप का। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल, दैट इज नोन एज इरिगेशन। अब बात आता है प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो के अंदर इरिगेशन का कैसा था से। तो आज़ादी से पहले जो लोग थे वो ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते थे बारिश के ऊपर, कि उनका क्रॉप, उनका जो क्रॉप लगाया वो पटेगा तभी वो इरिगेट होगा। किस बेसिस पे, किस पे डिपेंडेंट था, दैट इज बारिश के ऊपर, रेनिंग के ऊपर। तो 85% से जो ज़्यादा क्रॉप एरिया था वो डिपेंड करता था कंट्री का किसके ऊपर, अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून के ऊपर। ओके, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया की अगर बात करते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेंड अगर हम लोग देखें, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेंड क्या है, तो 1953-54 में जो आपका कितने एरिया जो इरिगेट होता था वो था 24 मिलियन हेक्टेयर। 24 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो इरिगेट होता था, और 2005-06 आते आते ये कितना एरिया 24 से बढ़ करके 83 हो गया, लगभग 4 टाइम के आसपास, 4 टाइम आपका क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है ना, इरिगेशन 50 सालों के अंदर, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ इरिगेशन जो है वो आउटपुट जो इंक्रीज हुआ इस पीरियड में, इरिगेशन में उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 3/4 था, 3/4 कंट्रीब्यूशन इरिगेशन का था आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा था उसमें। ओके, हाँ, अब बात आता है कि कैसे ये कैसे हुआ कि इरिगेशन 24 से 24 मिलियन हेक्टेयर से जो है वो 83 मिलियन हेक्टेयर पे पहुंच गया, कैसे, क्या था, क्या बदलाव आया। तो बदलाव आपका क्या है, सबसे पहला गवर्नमेंट जो था वो पॉलिसीज लाई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, बिग बिग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जिसका अमाउंट था 1000 बिलियन एट करेंट प्राइस, ठीक है ना, जो कि फ्लड कंट्रोल को लेकर के, इरिगेशन को लेकर के इन्वेस्टमेंट किया गया सरकार के द्वारा 1000 बिलियन रुपीस का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज गिवन चिप क्रेडिट, चिप इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, जिस पे प्रोवाइड किया जा रहा था कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट फार्मर को, अगर उनको पंप खरीदना है, अगर उनको वेल बनाना है, ठीक है ना, तो उनको चीप इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा दिया जा रहा था। नेक्स्ट वन इज चीप इलेक्ट्रिसिटी, उनको चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा था फार्मर को। उसके बाद आता है दैट इज फर्टिलाइजर, अब जो जो आपका HYB फर्टिलाइजर आया, जो रिवोल्यूशन आया, जिसके कारण क्या हुआ आपका, आपकी कंट्री, हमारे कंट्री या हमारे कंट्री जमीन का एल्ड इंक्रीज किया, कि पहले एक कट्ठे के अंदर जो था वो 10 kg अगर धान होता था, अब वो एक कट्ठे के अंदर कितना, 50 kg धान होने लगा, क्योंकि HYB फर्टिलाइजर, HYB सीड आने के कारण, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो एल्ड अगर बढ़ेगा तो 50 kg भी अगर राइस हो रहा है उसके ऊपर, तो क्या होगा, फार्मर का प्रॉफिट बढ़ेगा, फार्मर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, कुआं वगैरह सब आसपास में कर देगा, ठीक है ना, उसके आसपास में पंप लगाएगा, नल लगाएगा। तो ये सब चीज़ कि HYB आने के कारण क्या हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज किया, जिसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ वेल और ट्यूबवेल के अंदर। नेक्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग देख लिए कि हाँ, आज़ादी से पहले जो था 85% डिपेंड करता था बारिश के ऊपर, आज़ादी के बाद जो है 24 से 83 चला गया मिलियन हेक्टेयर, क्या रीज़न था हम लोग देख लिए।
उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट आते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकला इरिगेशन का। तो सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है दैट इज द जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर का जो पहले कंट्रीब्यूशन था 1950s के टाइम पे वो 30% था, अब जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 60% हो गया। ग्राउंड वाटर मतलब डायरेक्ट पंप से पानी निकालना, ठीक है ना, डायरेक्ट कुएं कर लेना, वहां से ग्राउंड वाटर वैसे को कहा जाता है, डेट इज टू ट्यूब वेल, वेल इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो पहले जो था वो 30% कंट्रीब्यूशन था, ज्यादातर वो वेल था, है ना, कुआं बना हुआ था, लेकिन अब जो है वो ट्यूब वेल आना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, जिसके कारण जो कंट्रीब्यूशन है 30% से 60% इंक्रीज कर गया, जो कि 60% इरीगेट किया जा रहा है किसके थ्रू, ग्राउंड वाटर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस वाटर। जो सरफेस वाटर की बात करते हैं, सरफेस वाटर का मतलब टैंक, कनाल, ठीक है ना, तो सरफेस वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज किया। पहले स्टार्टिंग में सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट टैंक बनाने में, कैनाल बनाने में, ठीक है ना, या फिर बड़े बड़े डैम बनाने में लगाया करती थी सरकार, ठीक है ना, जहाँ पे पानी को कलेक्ट करके रखा जाता था, तो उसका जो है वो क्या हुआ, कम हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, और ग्राउंड वाटर का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज किया। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। 1950 के अंदर अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर के थ्रू कितना एरिया जो है वो इरीगेट किया जाता था, 6 मिलियन हेक्टेयर का, 6 मिलियन हेक्टेयर, और 2005 के अंदर ये कितना एरिया आपका हो गया, 35.4 हेक्टेयर, 35.4 मिलियन हेक्टेयर, समझ रहे हो, दैट इज 6 गुना, समझ रहे हो कि ग्राउंड वाटर के थ्रू इतना एरिया इरीगेट किया जाता है। अब बात आता है कि इरिगेशन का और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कि इससे क्वालिटी इंक्रीज हुआ, इरिगेशन का क्वालिटी इंक्रीज हुआ, कैसे, पहले क्या होता था कि सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया मतलब डैम बना हुआ है, कैनाल बना हुआ है, तो वहां से पानी लाने में, पानी डैम से अगर आ रहा है खेत के अंदर, अगर पानी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी तो रास्ते के अंदर ही इधर उधर निकल जाते थे, ठीक है ना, किसी नहर से अगर पानी आ रहा है किसी खेत के अंदर तो पानी की बर्बादी क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, खेत तक आते आते 25% 30% पानी क्या है ऑलरेडी ऐसे ही बर्बाद हो जाते थे, इसलिए अब डायरेक्ट ग्राउंड वाटर हुआ, तो वहाँ पे कुएं खंदा गया, जो पास है ज़मीन वहीं पे जो है वो क्या लगाया गया, दैट इज़ बोरिंग किया गया, वहाँ पे लगाया गया, मोटर लगाया गया, तो आराम से अब क्या, अब उनको लाना नहीं कहीं से पानी पड़ रहा है, डायरेक्ट खेत के अंदर ही है, ठीक है ना, इसलिए वेस्टेज ऑफ वाटर कम होगा अब, ठीक है ना। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, लॉस इन टेकिंग वाटर फ्रॉम सोर्स टू द फील्ड आर फार लेस इन केस ऑफ द वेल, है ना, कि वेल के अंदर बहुत कम है। यूजर हैविंग मच ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जब मेरा मन करेगा तब मैं कुएं से पानी निकाल करके अपने खेत को पटा दूंगा, इरीगेट कर दूंगा, है ना, तो ये चीज़ें, जब मेरा मन करेगा तब मैं मोटर स्टार्ट करके उसे खेत को इरीगेट कर दूंगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग का, जब मन करेगा तब हम जिस समय हमको चाहिए कि अभी पटाना है हम इरीगेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज निगेटिव एस्पेक्ट। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, सबसे पहला अनइवन एक्सेस टू इरीगेशन। अनइवन का मतलब क्या है, कि जो भी फार्मर जो है वो रईस है, जो फार्मर बिग फार्मर थे, है ना, जिनके पास पैसा था, तो वो मोटर लगा ले रहे थे, वो कुएं कदर ले रहे थे, ठीक है ना, तो वो उनके लिए आसान था कि ग्राउंड वाटर में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था, लेकिन जो गरीब फार्मर है पैसे उसके पास कहाँ है जो वो मोटर लगाएगा, है ना, पैसे उसके पास कहाँ है जो वो कुएं कदेगा, उतना ज़मीन उसके पास कहाँ है जो कुएं कदेगा, समझ रहे हो, दैट्स वाई कि बड़े फार्मर जो है वो ज़्यादा ग्राउंड वाटर की टेक्नोलॉजी को अपनाएं, और जबकि स्मॉल फार्मर जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन स्मॉल फार्मर का डिक्रीज किया। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ये तो बात हो गया। दूसरी बात है कि जितना नंबर ऑफ साइज अगर फार्म का बड़ा है, बड़ा फार्मर अगर है, तो उसको एक्सेस टू इरिगेशन क्या था, ज़्यादा था, पैसे थे उसके पास, तो वो इरीगेशन वो ग्राउंड वाटर वो मोटर लगा सकता था। लेकिन जो छोटा फार्मर है, जो बड़े फार्मर है, उसका प्रोडक्टिविटी जो है इरिगेशन करने का वो कम है, प्रोपोर्शन सब, जैसे कि अगर बड़ा फार्मर है उसके पास 5 बीघे या 15 बीघे उसके पास खेत है, 15 बीघे उसके पास खेत है, तो वो 15 बीघे में खेती करना मुश्किल बात है, तो वो कहेगा हम 8 बीघे में ही खेती करेंगे इस बार, ठीक है ना, तो वो प्रोपोर्शन जो होगा लैंड का इरीगेट करने का वो 8 बीघे
टोटल है 15 बीघे, लेकिन 8 बीघे वो इरीगेट कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शन उसका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन शॉर्ट फार्मर के, स्मॉल फार्मर की अगर बात करते हैं तो आपका 2 बीघे 3 बीघे तो कम एरिया है, और उत्ता में सारे एरिया में वो ध्यान देगा, सारे को इरीगेट करेगा, तो प्रोपोर्शन क्या होगा इरीगेशन का, ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। ये फिर इरीगेशन क्या है कि इरीगेशन होने के कारण देखिए, बिगर होल्डिंग फार मोर देन द स्मॉलर होल्डिंग, मतलब बिग फार्मर जो है उनके पास ज़्यादा है ग्राउंड वाटर का एट देन स्मॉल फार्मर। उसके बाद सेकेंड वन क्या है, दैट इज बल्क ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पहला नेगेटिव एस्पेक्ट देख लिए कि ये क्या करता है, दैट इज रीजनल डिस्पैरिटीज पैदा करता है ना, अनइवन एक्सेस पैदा करता है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो सरकार के द्वारा किया जा रहा था वो सही नहीं, या तो लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा था, लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये होता था कि कभी फ्लड आ गया चला गया, कभी कोई डिस्प्यूट आ गया जिसके कारण वो रुक गया, है ना। तो जो सक्सेस का रेट है पब्लिक जो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था सरकार का इरीगेशन सेक्टर में, जो सक्सेस का रेट है वो कितना है, 38% था, 38% मार्ट एफिशिएंसी थी प्रोजेक्ट की, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज व्हाट, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हमें पता है कि ग्राउंड वाटर क्या हुआ कि डिप्लेट किया हमारे कंट्री के अंदर लगातार, अब डायरेक्ट ज़मीन से पानी घीस रहे हैं, जब मन किया तब मोटर स्टार्ट कर लिए, जब मन किया तब कुएं से पानी निकाल लिए, तो उसका यूज़ बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे तो वो ख़त्म भी होगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर तो अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड अमाउंट है, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। एक एक डाटा दिया गया है कि 1980 से 2000 के टाइम पे 60 स्टेट इंडिया के अंदर, 60% स्टेट के अंदर जो है वो ग्राउंड वाटर 4 मीटर से कम चला गया, 4 मीटर नीचे चला गया है पानी का, ठीक है ना। तो 4 मीटर नीचे कब से कब, दैट इज 1980 से लेके 2000 तक, उस टाइम ये हालत था कि 4 मीटर नीचे चला गया 20 सालों के अंदर। अगले 20 सालों के अंदर कितना चला गया होगा, अब तो सब घर के अंदर मोटर है, तो इस कारण अब तो 10 मीटर नीचे चला गया होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, जो कि आने वाले जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बुरा बात। ओके, और एक और है कि H/V जो सीड आया, जो आया ग्रीन रिवोल्यूशन H/V सीड, उसमें अगर 1 kg का राइस का प्रोडक्शन करना है ना, तो उसमें 5 टन वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, 5 टन ऑफ वाटर फॉर 1 kg ऑफ द राइस, आप सोच सकते हो। तो इसमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती थी H/V सीड में। ओके, हाँ, अब बात आता है कैसे हम लोग इरीगेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने पॉजिटिव देख लिया, हमने नेगेटिव देख लिया, हमने बैकग्राउंड देख लिया अच्छे तरीके से। अब बात आता है कैसे हम लोग इस एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात आता है ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरीगेशन सिस्टम। ड्रिप एंड इरीगेशन स्प्रिंकल इरीगेशन सिस्टम क्या होता है? ड्रिप का मतलब होता है, आप अगर महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस का देखे होंगे वीडियो, तो वहाँ पे क्या वो जो स्ट्रॉबेरी वहाँ पे है, तो उसके नीचे ही बिल्कुल वो नल लगा हुआ है, ठीक है ना, नल लगा हुआ है, पाइप वहाँ पे लगा हुआ है, पाइप बिल्कुल बिछा हुआ है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे जड़ के पास बिल्कुल वहाँ पे पानी जाएगा, कोई पानी का बर्बादी नहीं होगा। एक तो लिमिटेड कम अमाउंट में पानी वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना, और डायरेक्ट जाएगा, कोई वेस्टेज नहीं होगा, समझ रहे हो, डायरेक्ट बिल्कुल जड़ के पास जाएगा, जो कि अच्छी बात है, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, उसके बाद स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मतलब क्या है, ऐसे फुहारे लगा देना, सभी के ऊपर फुहारे में जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पानी, किसी के पास कम पानी, नहीं, सभी के पास इक्वल अमाउंट में, क्योंकि कोई भी प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है, लिमिटेड अमाउंट, कम अमाउंट चाहता है, लेकिन रेगुलर चाहता है कि रेगुलर उसे मिलता रहे, ठीक है ना, इसलिए स्प्रिंकल या ड्रिप जो है वो अच्छा है ना, अच्छा मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर होता है कि बिल्कुल जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे डायरेक्ट पानी जाना, सोर्स के पास बिल्कुल डायरेक्ट। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट ऑफ टाइमिंग, जब आपका मन करेगा तब आप ड्रिप इरीगेशन करेंगे या स्प्रिंकल वाला, जब आपका मन करेगा तब आप स्विच टी पेंगे। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क राइट डाउन टू द यूजर लेवल, मतलब जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, वहाँ पे नल जल हम लगा दिए। उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज है, इम्प्रूविंग फिजिकल फैसिलिटीज लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये आपका आता है, दैट इज द एडवांटेज, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिस्टम, कि ये बिल्कुल जड़ के पास, एट सोर्स के पास, फिर इसका टाइमिंग फ्लेक्सिबल टाइमिंग में यूज कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल वहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे,
आपका यूज़र जहाँ पे वहाँ पे, फिर फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करो। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, तो मल्टीपल बेनिफिट है। सबसे पहला, जो इरिगेशन वाटर है उसको बचाएगा, 20 से 48% वाटर को सेव करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन लेबर कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट क्योंकि पानी ले जाना ले आना है ना, लेबर लगते थे तो अब लेबर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम स्विच टीपना है, आधे घंटे चला देना है, ठीक है ना। ये चीज़ तो सॉरी, लेबर का कॉस्ट 30 से 40% आपका रिड्यूस होगा। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर पानी मिलता रहेगा है ना, अच्छे तरीके से क्रॉप की ग्रोथ होती रहेगी। दैट इज 20 से 38% आपका इंक्रीज करेगा क्रॉप का प्रोडक्शन। सेविंग फर्टिलाइजर, सेविंग फर्टिलाइजर कितना आपका, फर्टिलाइजर का कम यूज हो पाएगा क्योंकि इरीगेट अगर करेंगे तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े लगने की चांसेस कम होगी, क्योंकि पानी के अंदर कीड़े मकोड़े नहीं रहते। तो 11 से 20% आपका है कि फर्टिलाइजर सेव। एनर्जी सेविंग कितना, 10 से 20% आपका एनर्जी सेव करेगा। तो आपको याद क्या रहना है, आपको याद रखना है कि हाँ, इरिगेशन वाटर को ज़्यादा बचाएगा, क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो ये सब बातें। और बाकी 10-20% आपको लिख करके आ जाना है, बाकी जो एनर्जी को सेव करेगा, फर्टिलाइजर को सेव करेगा, 10-20% लिख के आ जाना है। हाँ, उसके बाद फिर आपका आता है, दैट इज आपका सेकेंड वन आता है। पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि ड्रिप एंड इरीगेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज सोसाइटी के अंदर ट्रस्टीज है ना, सोसाइटी के अंदर बनाइए, कोई सोसाइटी है उसके अंदर ट्रस्टीज बनाइए, जहाँ पे लोग जो है वो इरिगेशन के प्रति जो है वो लोगों को बताएं कि क्या पानी की महत्व है, क्यों पानी को कैसे आप कम यूज़ कर सकते हैं, क्या ड्रिप एंड इरिगेशन सिस्टम है, क्या आपके लिए अच्छा मेथड है, तो वैसा सोसाइटी का गठन करें, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट वन इज है कि देखिए, जब तक किसी चीज़ का प्राइस नहीं लेगा तब तक लोगों को एहसास नहीं होगा कि वो कम यूज़ करे या ज़्यादा यूज़ करे, तब तक उसका महत्व नहीं पता चलेगा, तब तक उसका फ्रेम यूज़ ओवर यूटिलाइज करते रहेंगे। इसलिए इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से पानी को, इरिगेशन को, वाटर को प्राइस लगाना ज़रूरी है कि आप इतना पानी निकाल रहे हैं इतना प्राइस आपका, क्योंकि प्राइस जो है वो इंसेंटिव देता है लोगों को, है ना। वो पीपल रिस्पॉन्स टू इंसेंटिव, प्राइस लगाएंगे तो पीपल रिस्पॉन्स करेंगे इंसेंटिव का, इंसेंटिव के प्रति कि नहीं यूज़ कम करो, तो यूज़ कम हो पाएगा, समझ रहे हो। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो आपका क्या है, प्राइजिंग ऑफ द इरिगेशन एंड द इनपुट, ठीक है। यूज फॉर इरिगेशन इज क्रिटिकल, कि ज़रूरी है बिल्कुल, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट है निर्णय लेना है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि हम इरिगेशन पे प्राइज लगाएं, क्योंकि फार्मर बहुत बड़ा वोट शेयर फार्मर के पास होता है, अगर करेंगे तो फार्मर वोट देना बंद कर देंगे, वो इलेक्शन हार जाएंगे। इसलिए कोई भी ये निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाइक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, जो म्यूनिसिपल या कोई अथॉरिटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। इसलिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल वो निर्णय ले सके कि क्या सही है क्या गलत है। फिर करंट स्टेटस की बात अगर बात करते हैं कि क्या करंट स्टेटस है इरिगेशन का, तो टोटल जो फार्मिंग लैंड है हमारे देश के अंदर वो कितना है अभी, 160 मिलियन हेक्टेयर टोटल फार्मिंग लैंड, जिसमें में से नेट सोन एरिया, जहाँ पे नेट सोन मतलब जहाँ पे क्रॉप लगाया जाता है, वो कितना है, 140 मिलियन हेक्टेयर, 140 मिलियन हेक्टेयर में क्रॉप लगाया जाता है, बाकी 20 को खुला छोड़ दिया जाता है, रहने दिया जाता है ऐसे ही। फिर इरिगेशन एरिया, इरिगेट कितने एरिया को किया जाता है, 68 मिलियन हेक्टेयर को इरिगेट किया जाता है, 68 मिलियन हेक्टेयर को। और बाकी जो एरिया है, 140 में तो क्रॉप लगा, 68 मिलियन में इरिगेट किया गया ग्राउंड वाटर के द्वारा, सरफेस वाटर के द्वारा। तो ग्राउंड वाटर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 60% का, 60% जो इरीगेट किया गया है 67 का, 67 मिलियन हेक्टेयर का, वो ग्राउंड वाटर, और बाकी 40% जो है वो कनाल्स, ठीक है ना, कैनल्स। हाँ, उसके उसके बाद फिर आता है कि बाकी का जो एरिया बच गया है, दैट इज 72 मिलियन हेक्टेयर, वो अभी भी डिपेंडेंट किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, दैट इज योर मानसून रेन के ऊपर। अभी भी एरिया जो है, मतलब 50 से 55% अभी भी जो एरिया इंडिया के अंदर है क्रॉप एरिया, वो रेन के ऊपर निर्भर है कि बारिश होगी तो पटेगा मेरा खेत, इरिगेट होगा, नहीं होगा तो क्रॉप भी खराब,
क्योंकि इरिगेशन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आपका आता है, दैट इज अगर आपका 1% एग्रीकल्चर का अगर इंक्रीज करता है ना ग्रोथ, तो आपका जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ है कंट्री का जीडीपी 0.7% से इंक्रीज करेगा। कितने से? 0.7% से आपका कंट्री का जीडीपी इंक्रीज करेगा। ओके हाँ, फिशरीज सेक्टर की अगर बात करते हैं साथ में, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक है कि कैनल्स वगैरह सब में, डैम वगैरह सब में पानी को स्टोर किया जाता है, तो पानी समर के सीज़न में डिप्लीट हो जाता है ना, इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट हो जाने के कारण जो पानी का लेवल है वो कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए या इसके जगह पे इससे पैसा निकालने के लिए ये कर सकते हैं कि डैम वगैरह या जहाँ कैनल्स वगैरह सब है वहाँ पे फिशरीज का काम कर सकते हैं, है ना, कि वहाँ पे फिश दे दिए, वहाँ पे फिश का काम कर लिए और वहाँ से फिश से बेच करके कुछ पैसे आएगा, जिससे जीडीपी ऐसे इंक्रीज करेगा। तो इंडिया जो है वो फिश के अंदर कितना है, वर्ल्ड के अंदर वो सेकेंड प्रोड्यूसर है इंडिया, और कितना मिलियन टन प्रोड्यूस करता है, 5 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया को नंबर वन बनाया जाए, समझ रहे हो, इंडिया को नंबर वन बनाया जाए, तो इसको भी यूज़ करके हम लोग जो इवापोरेट कर रहा है पानी, उसके जगह पे हम फिश लगाए, उस वो तो इवापोरेट कर ही जाएगा और फिश से हमको इनकम हो जाएगा, तो लॉस हुआ प्रॉफिट भी हुआ, तो दैट इज़ ओवरऑल, है ना, एवरेज। उसके बाद आता है कि अगर आपको इफिशियंसी इंक्रीज करनी है एग्रीकल्चर के अंदर, अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, अगर आप किसी भी सेक्टर का इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पहले सही करो, दूसरा प्राइस लगाओ। बिना प्राइस के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा और ना तो इफिशियंसी अच्छे तरीके से इंक्रीज होगा। तो दिस इज योर कॉन्क्लूजन। तो ये आपका ओवरऑल रहा इरिगेशन के ऊपर, इससे ज़्यादा आपको इरिगेशन के अंदर पढ़ना नहीं है। अब आप क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, व्हाट आर द एरिया ऑफ कंसर्न, क्या कंसर्न है? अभी भी जो है वो इंडिया के अंदर 72 मिलियन हेक्टेयर जो है वो लैंड वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है ना, ओवर यूटिलाइजेशन दैट इज डिप्लेशन ऑफ वाटर, ये आपको जो मैंने बताया 4 मीटर डाउन हो गया वो डाटा दे देना है। दूसरा, तीसरा अनइवन एक्सेस है ना, तीसरा अनइवन एक्सेस ऑफ वाटर है ना, कि लार्ज फार्मर को ज़्यादा है स्मॉल फार्मर को कम है। चौथा, जो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर किए गए हैं, लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं 1000 बिलियन का, वो उसका जो इफिशियंसी वो 38% का है, समझ रहे हो, हाँ। तो ये सब, और करेक्शन अगर करना है तो क्या कहेंगे, ड्रिप एरेंज एंड स्प्रिंकल सिस्टम को अपनाइए, जिससे लिख देंगे सारा चीज़, है ना। उसके बाद आप जो है प्राइस लगाइए, प्राइस लगाएंगे तभी लोग जो है वो कम यूज़ कर पाएंगे, है ना। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करिए, सोसाइटी के अंदर डेवलप करिए ट्रस्ट को, ताकि वो स्प्रेड कर सके कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे आप पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो चलिए, ये आपका इरिगेशन खत्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।